विधानसभा के विधायक राजेश नागर का पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक राजेश नागर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां पर पूर्वांचल एकता मंच के लोगों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं समारोह में जब लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर काम में लापरवाही और लोगों के फोन न उठाने का आरोप लगाया तो विधायक तलमला उठे। विधायक ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्यरत कर्मचारी को बुलाया और नसीहत देते हुए कहा, अगर तुम्हारी दोबारा से शिकायत मिली तो यहां काम नहीं कर पाओगे। जनता के काम में कोताही बरतने वालों के लिए क्षेत्र में कोई जगह नहीं। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मनोहर सरकार ने सभी कच्ची कॉलोनीज को पास करने के जो आदेश दिए वो जल्द ही सिरे चढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको बिजली पानी सड़कों की कोई भी असुविधा नहीं रहेगी। तिनगांव से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। आपके यहाँ आ रही थी वो थी कि ये आपकी जो कॉलोनी है ये पास नहीं थी, उसी की वजह से जो आपकी मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी सड़क नाली सीवर उसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फंड हमें नहीं मिलता था। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी भी हमारी कॉलोनी है पूरे हरियाणा में जो 40% 50% के करीब बस गई है या उससे कम भी है, उनको सबको एक कलम से पास कर दिया। उसका प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ये आपकी कॉलोनी पास हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही आपकी कॉलोनी ये पास हो जाती है, जो आपकी दिक्कत सड़क की बिजली की पानी की सीवर की और नालियों की वो जल्दी दूर हो जाएगी। और बिजली की जो दिक्कत है ये तो बहुत ही जल्दी आपकी दूर होने जा रही है, क्योंकि एक हमारा नया सब स्टेशन सेक्टर 37 में बनकर तैयार है और आने वाले एक या दो महीने में वहां से हमें बिजली मिलने लग जाएगी। जो आपकी बिजली के कट लगते हैं या बिजली की फॉल्ट पड़ते हैं या ओवरलोड होने से बिजली ट्रिप हो जाती है वो जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो सब स्टेशन बनकर तैयार है। और उसके अलावा आपकी सड़कों की जो बात है, वो जैसे ही कॉलोनी पास होती है वो कॉलोनी पास होते ही आपकी सड़कें और सीवर पानी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके अभी उस समय पहले हमारी ये 33 फुट रोड जो है, आप 44 फुट रोड जो है, इस पे सीवर का काम भी पूरा हो चुका है। और ये सड़क का आप हालत देखते थे पहले, जो 3 साल 4 साल 5 साल पहले हम भी यहाँ से जाते थे तो कितने गड्ढे थे, कितने बड़े बड़े यहाँ पर नाली का मतलब सड़क पे पानी भर जाया करता था, तालाब जैसी हालत हो जाती थी। जो भी लोग मवई से तिलपत जाते थे या तिलपत से मवई जाते थे तो कितना बुरा हाल था। इसमें सीवर का काम भी पूरा हो चुका है, सड़क भी करीब बन गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी उस दिन एक्शन को बुलाया था कि भाई इसके नाली भी इसके साथ रोड के साथ साथ बनाई जाए, उसके लिए एस्टिमेट के लिए भी उनको बोला है। जैसे ही मार्केट कमेटी में कोई फंड आ जाता है तो उसका एस्टिमेट भी नाली का पास हो जाएगा, जिससे आपका जो पानी सड़क पे अगर कभी भरता भी है तो नाली के द्वारा बाहर सीवर में चला जाएगा। तो इसलिए आने वाले समय में आप लोगों की कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरा चुनाव था, हमारे विधानसभा में 90 सीट है और 90 की 90 सीट में अगर सबसे ज्यादा किसी को वोट मिली भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को, तो आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को, आपके इस बच्चे को मिली, उसके लिए मैं आपका हमेशा भी नहीं रहूंगा, आपका उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पीछे इंस्पेक्टर हमारे खड़े हुए, मैंने उनसे बात भी की है कि आने वाले दिनों में और रात को यहाँ पर गश्त बढ़ा दी जाए और हम इसका कोशिश करेंगे कि ये पूरा इलाका एक ही थाने में चला जाए, जिससे आप लोगों को जो दिक्कत आती है कि भी ये पल्ला में आता है एरिया या खेड़ी में आता है, उसकी समस्या आपकी दूर हो जाए। तो मैं सिटी साहब से बात करके कोशिश करूंगा कि आपका ये जो एरिया एक ही थाने में अगर हो सकता हो तो जरूर करा देंगे। और डिस्पेंसरी की बात करते हैं, करी भाई अभी लोकेश भाई ने जब हम आ रहे थे तो उसके लिए भी मैं अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से बात करके कोशिश करूंगा कि आपको एक डिस्पेंसरी यहाँ पर मिल जाए। मीटर की बात होगी यहाँ पर ये है, तो उसके बाद हमें फंड मिलना चालू हो जाएगा, आपका पार्क की भी बात हो जाएगी, छठ घाट की भी हो जाएगी, तो उन्नति सेंटर की जो बात कर रहे हैं
उसके लिए भी हम बात करेंगे कि कम्युनिटी सेंटर आपको एक यहाँ पर मिले।